हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हाउ टू स्कोर वेल इन आईसीएससी इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन। बट बिफोर दिस, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। ऑल्सो हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पे जाके हमें फॉलो करें ताकि हम आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके पर्सनल डाउट्स, हम लोग डीएम पे और सॉल्व करते हैं। और जल्दी हमारे को जाके फॉलो करें क्योंकि हम ग्रुप उससे क्लोज करने वाले हैं, अभी वो ग्रुप ओपन है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें आईएससी में किस तरह से पढ़ना है कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में अच्छे आ जाए, क्योंकि इंग्लिश बीन एन कंपल्सरी सब्जेक्ट, सब चाहते हैं कि उसमें अच्छे मार्क्स आए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ और उसके थ्रू बताती हूँ कि कैसे आपको अपने आंसर्स वाला परफॉर्म करने हैं कि आपको मिनिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिले और मिनिमम से मिनिमम आपकी गलतियाँ हुए। तो जैसे आपका ये अगर एग्जाम्पल है, हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एज जैसे हमें पता है, तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट, हमें जो जितने भी हमें दिए हुए हैं हमें उन्हीं को ही करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी है, इंग्लिश में आपकी नीटनेस इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपका नीटनेस का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहता है आपकी उसके ऊपर और आपकी जिस तरह से कॉपी की प्रेजेंटेशन है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करें, एवरी क्वेश्चन न्यू पेज, और साथ ही साथ आप ब्लैक और ब्लू दोनों इंक का अच्छे से यूज़ करें। ब्लैक आप किसके लिए यूज़ करेंगे, कोट्स के लिए आपको या फिर जो भी लाइन हाईलाइट करनी है, प्लस आपके जितने भी कोट्स होंगे आप उसके लिए अपनी ब्लैक इंक यूज़ करेंगे, और रेगुलर आंसर लिखने के लिए आप अपनी ब्लू इंक यूज़ करें। और आंसर जैसे आपका 3 मार्क का है, तो ये नहीं कि जितना लंबा आंसर लिखूंगी उतने मार्क से, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये सारा डिपेंड होता है पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर। अगर जैसे वेयर द सीन इज सेट, तो आपको एग्जैक्टली लिखना है क्या कहते हैं, पोशिया के घर में हो रहा था, पोशिया का घर कहाँ पे था और उसके रूम में कहाँ पे हो रहा था। तो आपको खाली इतना पार्ट लिखना है, अगर आप पे पूरी कहानियां लिखेंगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ही मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर्स होते हैं वो की वर्ड्स के ऊपर मार्क्स देते हैं, आपको की वर्ड्स सारे याद रखने पड़ेंगे। अगर आपके ने जितने भी, अगर आपका एक लाइन का आंसर होगा अगर उसमें सारे की वर्ड्स होंगे तब भी आपको 3 मिलेंगे, और अगर आपने एक पेज का आंसर लिख दिया और उसमें एक भी की वर्ड जो वो ढूंढ रहे हैं जैसे पोशियाज हाउस और ये सब नहीं हुआ, तो आपको तब भी 0 मिलेगा। तो की वर्ड्स आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर आंसर्स, अगर कीवर्ड्स हुए तो मार्क्स हैं वरना नहीं है। तो आपको इसमें स्पेसिफिकली आपको कीवर्ड्स मतलब लोकेशंस वाला याद करनी पड़ेंगी, किसने क्या कहा था, क्यों कहा था, उसके रीजंस याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको अपने कीवर्ड्स पे स्ट्रांग रहना है। कीवर्ड्स के क्या क्या पार्ट हो गए, लोकेशन, प्लॉट कहाँ पे हुआ था, उस प्लॉट में कौन कौन था, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी आता रहता है, कौन कौन से लोग थे मतलब पीपल अराउंड सराउंडेड, और उसके बाद ऐसा क्यों हुआ था, रीज़न की प्लॉट क्यों सेट हुआ था। जैसे पोशिया के लिए क्यों हुआ था, क्योंकि लोग उसे जो सूटर्स थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे वर कमिंग टू मैरी पोशिया, और उसके लिए वो अपना लक ट्राई कर रहे थे, किसके लिए, वो 3 बॉक्सेस के लिए। तो आपको ऐसे मतलब रीजन्स वगैरह याद रखने पड़ेंगे स्पेसिफिक, जैसे सूटर्स आ रहे थे कहाँ से, पूरे वर्ल्ड से आ रहे थे, दूसरा उसके बाद वो लोग क्यों आ रहे थे टू मैरी पोशिया, और कैसे करना था, डिपेंड अपॉन द चूज ऑफ द कास्केट, चूजिंग ऑफ द बास्केट और द बॉक्सेज, चूज ऑफ द बॉक्स, आप जितने भी बॉक्सेज थे उन्होंने चूज करना था, उसके ऊपर डिपेंडेंट था लग। तो आपको ऐसे 4 वर्ड्स ऐसे एग्जैक्ट मतलब रीजंस याद करने पड़ेंगे। और रही बात आपके जो जितने भी बाकी आंसर हैं, जैसे बी एट पोएम या स्टोरीज, सब में आपको अपने वर्ड टू वर्ड याद रखना है कि कैसे किसका क्या रीज़न था, और शॉर्ट में आपको लिखना है। अगर 3 मार्क का है तो मेरे हिसाब से 5 से 10 लाइन्स इनफ है, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर माना थोड़ा सा उसमें स्पेसिफिक रीज़न वाला पूछ लिया, थोड़ा सा अगर कहानी का जैसे स्टोरी का बैकग्राउंड पूछ लिया, तो यू कैन गो टू 10 to 15 लाइन, वरना उससे ज़्यादा नॉट मोर देन 15 लाइन्स, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। और स्पेसिफिक रहें, पॉइंट टू पॉइंट रहें, और उससे ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना। उसका जैसे अगर ऐसे पूछते हैं, जैसे मोरक्को की अपेयरेंस पूछे था, तो जैसे आपके पूरे प्ले के अंदर बुक में एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा मोरक्को के अपेयरेंस के बारे में कि उसने क्या पहना था, उसकी कैसी आइज थी, उसका कैसा फेस था, सब उसको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अगर आप वो लिखेंगे, डेफिनेटली 3 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ज़्यादा अपने तरफ से आपको अपने वर्ड्स नहीं डालने, जो आपके ऐसे अपेयरेंस का एग्जैक्ट जो पैराग्राफ था आप उसे एग्जैक्ट अगर कॉपी कर दें तो डेफिनेटली यू विल गेट 3 मार्क्स। तो आपको कोशिश करना, जितने भी अपियरेंस है, बी एट ऑफ अ पर्सन या फिर प्लेस की, जैसे क्या कहते हैं आपकी जितनी भी प्लेसेस आई हैं आपके पूरे प्ले में, उन प्लेसेस की, पीपल प्लस प्लेसेस,
अगर उसका आप पूरा जो या जो भी प्लॉट है, जैसे पोशे कमरा कैसा था, उसमें ये रखा था ये रखा था, और जितने भी प्लॉट है, अगर आप उनको वर्ड टू वर्ड याद कर लें, वर्ड टू वर्ड, या फिर मतलब एक तरह से रट लें, तो अगर जहाँ पे भी अगर आएगा डिस्क्राइब द पर्सन, जैसे डिस्क्राइब बसानियो, डिस्क्राइब एंटोनियो, कुछ भी आया, अगर आपने वर्ड टू वर्ड लिख दिया एग्जैक्ट, यू विल डेफिनेटली गेट 3, अगर 4 मार्क्स होगा तो 4, और जैसे आप अपने वर्ड्स अपने एड ऑन करते जाएंगे उतने आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहते हैं. ओके, हम लोग बात करते हैं कि आप लोग कहाँ से क्या स्टडी करेंगे. यही जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ये आपको तरीका हर जगह फॉलो करना है, बी इट पोएम, स्टोरी और प्ले. तो अब हम लोग बात करते हैं कि पोएम्स में आप कहाँ से पढ़ेंगे. पोएम्स में अपनी आपको पोएम्स का क्या क्या याद करना है, पहले तो क्या क्या लर्न करना है. जितनी भी पोएम में इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, जितनी पोएम के अंदर इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्हें आपको कोट करना है. इंपॉर्टेंट लाइन्स को आपको कोट करना ही होएगा, तो बिना उसके आंसर आप सपोर्ट नहीं कर सकते. पोएम्स में जितना आप कोशिश करें, पोएम एज वेल एज आपका जितना ही प्ले है, कोशिश करें अपने आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा कोट करें. ज़्यादा से ज़्यादा कोट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोएम्स वाला की लाइन यूज़ करें. और बसानियो जैसे आपका प्ले है, उसमें भी ज़्यादा से बसानियो ने ऐसे क्या कहा था, उसको नॉर्मली कोशिश करें कि जो उसने बोला था आप उसे एग्जैक्टली कोट कर पाएं उसकी लाइन्स, तो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच फेच होंगे. अब हम लोग बात करते हैं कि पोएम्स आपको डेफिनेटली कोट्स याद करने हैं. हर पोएम से आपको मिनिमम 3 कोट्स तो याद करने ही चाहिए. ये मेरे सजेशन है कि आपके इससे इंग्लिश में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि कोटेशन ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाती हैं. साथ ही साथ आपको पोएम कहाँ से पढ़नी है, आपने अपने 3 लाइन, हर पोएम से 3 कोट्स तो याद कर लिया, मतलब हर पोएम के 3 से 4 लाइनें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अच्छी हैं कोट करने के लिए, जो आंसर में सूटेबल होंगी, नॉर्मली हर आंसर के लिए जो सूट हो जाएंगी, उन्हें आपको याद करना है. प्लस आपकी जो भी आपकी सेल्फ स्टडी बुक होगी, जो या जो गाइड होगी, आपको उससे अच्छे से पढ़ना है. और आपने अपनी 10 ईयर्स तो सबके लिए करनी है, 10 ईयर्स सबके लिए आपको करनी ही करनी है. तो ये आपकी गाइड हो गई. नेक्स्ट नेक्स्ट आपका स्टोरी में, स्टोरी में आप अपनी बुक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी जो भी आपकी सेल्फ स्टडी गाइड है आप उससे पढ़ सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस उसके रिव्यू कर लें कि मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं. प्ले में आपकी जो डेफिनेटली बुक होगी, आपकी जो प्ले की वो, प्लस आपकी जो सेल्फ स्टडी बुक होती है जैसे आपको मिलती है गाइड द्वारा स्कूल की तरफ से, वो, ताकि, और प्लस आपके कोर्स, इंपॉर्टेंट कोर्स डेफिनेटली यू हैव टू लर्न. ओके, कोर्स जैसे एग्जांपल पोशन ने इस लाइन में क्या कहा था, जैसे जब पोशन ने उसके साथ जब वो एंटोनियो को सपोर्ट कर रही थी और वो लॉयर बन के आई थी, तो जब उसने क्या कहा था, मर्सी, जैसे मर्सी डू अपोजिट डबली ब्लेस, आपको वाली पूरी लाइन अच्छे से कोट याद होना चाहिए, वो डेफिनेटली हर जगह काम आता है. तो इसलिए आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे. और 10 ईयर्स, 10 ईयर्स आपको सारी सॉल्व करनी है. अगर 10 नहीं कर पाएंगे तो 5 ईयर्स तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करनी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके आंसर्स कैसे टाइप के आपको करने हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं, और कैसे टाइप का आपको एक आइडिया मिल जाएगा. तो 5 ईयर्स तो इज़ अ मस्ट आपको आइडिया लेने के लिए. और नॉर्मली आंसर क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, इसलिए आपको 5 ईयर्स तो करनी ही चाहिए. और जितने भी आपके गाइड की बुक के पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें एक बार रीड कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस वाले प्लॉट से, या इस वाले सीन से, या इस वाली पोयम से. साथ ही साथ आपको एक आइडिया मिल जाएगा, मेरे को क्या ये आंसर, मैं इसको आंसर कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को कि नहीं. तो इसलिए आप बुक से भी एक बार अपने पीछे के क्वेश्चंस एक बार रीड कर लीजिए, ताकि आपको एक अपने आप पे आइडिया हो जाए कि हाँ, मैं वाला आंसर मेरे को आता है कि मेरे को नहीं आता, तो आप अभी सॉल्व कर सकते हैं, अभी भी आपके पास 1 महीना है. तो साथ ही साथ आपको मतलब अपने पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स हैं, कोर्स आपको करने ही है. बाकी आपका डेफिनेटली जो आप रीडिंग करेंगे इंग्लिश की, आपको अच्छे से करनी है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या करना है. जितने भी आपके कोर्स हैं, बी एट पोएम या फिर आपका प्ले, उसको आप एक पेपर पर लिख लीजिए, अपने एक पूरे नोट्स बना लीजिए, ताकि इन दी एंड जब आप मॉर्निंग में सुबह रिवाइज करेंगे अपने पेपर से पहले, तो आप उस वाले कोर्स के जितने भी नोट्स हैं आप सुबह एक बार अच्छे से रीड कर लें, अच्छे से आपको याद कर लें जो भी आपको रिवाइज करना है. तो सुबह एक ही जगह पे आपको अपना सारे कोर्स मिलेंगे, तो उससे आपको ईजी रहेगा सुबह याद करने में, रिवाइज करने में. अभी भी आपको टाइम है, तो आपको लिख के याद भी हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको एक प्रिपेयर आपके नोट्स बन जाएंगे कि मेरे को जब भी कोर्स याद करने की बारी आएगी तो आप यहाँ से करेंगे, आपको बुक से ढूंढने नहीं पड़ेंगे. अब मॉर्निंग में क्या करेंगे, अगर आप 6:15 तक उठ जाते हैं, तो 6:15 से आप 8 o'clock तक अपने कोट्स प्लस जितने भी आपने इंपॉर्टेंट प्ले के जो पार्ट्स मार्क करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करें, आप वो याद करेंगे या रिवाइज करेंगे. पर मस्ट लास्ट थिंग, लास्ट मोमेंट तक अगर आपको जो रिवाइज करना है वो आपको कोर्स करना है, क्योंकि कोर्स के ज़्यादा मार्क्स होते हैं इसलिए. ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी.